ना नीचे मट्टी में दबा कर आ जाओ यार। हेलो, अब देखिए अंदर बच्चे को दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आ रहा, 3-4 दिनों हो गए जिस दिन से मुर्गी ऊपर लेकर आए हैं। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ना मैंने मुर्गी देखी ना मैंने परिंदे देखे, कुछ भी नहीं। तो फिर अभी आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी, मैंने बोला चलो ऊपर चलता हूँ, जाकर अपनी मुर्गी भी देखूँ कबूतर भी देखूँ तो कैसी हालत है उनकी। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ तो इस व्लॉग का करता हूँ मैं स्टार्ट। और फिर मैं तबीयत आई थोड़ी सी बेहतर हुई थी तो बहुत मिस कर रहा था अपने परिंदों को, तो मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ ऊपर, हिम्मत करता हूँ थोड़ी बहुत। तो साथ में मैंने बोला तो व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि 3 दिन हो गए वीडियो ही नहीं आ रही, 3-4 दिन। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैंने फिर मुर्गी के नाम भी पूछा था व्यूवर्स अपने फ्रेंड्स से, तो काफ़ी कमेंट आया, किसी ने क्या बोला किसी ने क्या बोला। अभी तो मुझे फ़िलहाल बेला अच्छा लगा है, तो अगर बेला सही है तो आप लोग मुझे बताएं ठीक है, नाम पसंद है नहीं है तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। तो अभी मैं देखता हूँ मुर्गी को उठाता है कपड़ा ऊपर से, उनका पानी वगैरह चेंज करता हूँ मैं। तो करीब से तो अभी देखते हैं, इसने तो सब्जी भी वैसे पड़ी हुई है, बाजरा भी पड़ा हुआ है, पानी चेंज कर दो उसका, ताजा पानी, ये पानी इसका ताजा डालते हैं, फिजान ये पानी चेंज करके लाओ। फिजान मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका नाम है फिजान जी। माशाल्लाह मुर्गी भी बैठी हुई, कैमरे कैम होगी निकाल दो, पालक वगैरह कचरे वो निकाल दो, खाने के लिए कुछ डालो डाल दो। चलो सुबह उठेगी अपना खा लेगी, पालक है थोड़े चावल हैं और टमाटर प्याज वगैरह है। साइड पे ये डाल दो, साइड पे डालना पालक के साइड पे, एक साइड पे पालक कर दो, ये बाहर निकलेगी तो फिर ये खा लेगी जो खाना होगा इसको। दाना भी रखा हुआ है अंदर, ये बसारा नहीं डाल, थोड़ा डाल चावल डाल दे बस, प्याज इतने भी खाती, प्याज काट ला इसको रख दे खुद ही, बस जल्दी से डाल दे उसको, बंद करो क्योंकि डिस्टर्ब हो रही होगी। मुर्गा और मुर्गी का भी सामान आ गया माल, उनका भी खाने के लिए पार्टी का एंजॉय है, तो वो भी पागल हुए उनको छोड़ते हैं, कबूतरों की रोटी ये साइड पे करते हैं उनको निकालते हैं। चलो आरिस खोलो इनको, इसी प्लेट में रहने दो, नहीं वहाँ पे डालते हैं ना दूसरी प्लेट में, रात ले लो ऊपर से, वो परात पकड़ा ऊपर से, वहाँ रखो वहाँ, और सबर 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 चावल हाँ साइड में चावल डाल, साफ बर्तन इधर कर लो है, चलो ये कोने में रख दो वहां पे खाते रहेंगे। इसने आटे गंद मार दिया, चलो कबूतर खा लेंगे, दो प्लेटें खा ले यार, ये भी डाल दे इनको, अब वो चाबी दो मैं कबूतर खोल लूं। मुर्गी को डाल दिया है ये खा रहे हैं, अब मैं कबूतर खोलता हूँ खुद ही, आज काफी दिनों नहीं आया तो मैंने बोला मैं खुद ही खोलूंगा आज। तो अभी आप दिखाते हैं साथ में बच्चा भी दिखा देते हैं, लाल माटी वाला, तो उसको देखते क्या रिजल्ट है, उस दिन तो दिखा था आप लोगों को दाना खा रही थी इनकी मम्मा, ये ला रहे आराम से बढ़िया पूरा आया ना पीछे।
क्या हुआ? कबूतर मरा हुआ है एक भाई। कौन सा वाला? वो जिसके पाँव पे जख्म हुए थे वो दो। हाँ यार, ये दो तीन दिन से बीमार था, काफी दवाई वगैरह दे रहा था, सेट नहीं हो रहा था। तो दोपहर में क्या सही नहीं तो देख लेते? अरे दोपहर में सही था, पानी डालने आए थे। हाँ, पानी डालने आया सही था, बस अभी ढीला ही था ये दो। मैं तो बस काफी दिन से यार इसको दवाई वाई आ रहा था यार, काफी दिनों से बीमार था बेचारा। ये तो अभी मैंने दरवाजा खोला तो मरा हुआ है। यार क्या हो रहा है कबूतरों को बेचारा, नजर वजर लग गई, क्या नजर लग गई, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखे पाँव पे जख्म थे काफी दिनों से, भाई लगा रहे थे इसके ऊपर टूब वगैरह और सब दवाइयाँ, लेकिन नहीं आई, वो भी चला गया। बस जो अल्लाह का मंजूर था वो तो होना ही था। नजर लग गई पता नहीं मेरे कबूतरों को, पहले लालची ना मर गया, ये मर गया, अब पहले काली भी मरी थी। नीचे मट्टी में दबा कर आ जाओ यार, चलो लाओ। अब देखिए अंदर बच्चे को दिखाऊं जी। माशाल्लाह कबूतर तो बच्चा तो उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया, सेहतमंद है, खुराक वगैरह में दे रहे तो सेहतमंद है बच्चा तो। बाकी कबूतर उड़कर मेरे पेटियां ला के रखी हुई हैं, बस मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए सेटिंग नहीं की, अंदर से सेटिंग करेंगे। तो अभी चलते हैं, पिछड़ते कबूतरों को डालते, कबूतर बहुत डर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं यार। ना देखे माल भूल गया ना। ओ तू भी तो सटे आई, सुभान अल्लाह। चलो यार आरिश पानी ले भी आओ। बोले एक तो ये रखते भी ऐसे है ना, चाय भी आ गई है दोनों भाइयों की, हम चाय पीते हैं, कबूतरों को रोटी डालकर फिर चाय पीते हैं। उन्होंने तो परात खाली कर दी है चावलों की पालक की। मगरिब की नमाज हो गई है, कबूतर बंद करते हैं, अनस को बुलाते हैं। अनस आके कबूतर बंद करो, मेरी तबीयत नहीं सही तो अब बंद करता है। पहला साइड का कर ले बेटा, तो कबूतर कर दिया बंद। और अभी इसी के साथ मैं ब्लॉग का करता हूँ एंड। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अब, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मुझे, ताकि हौसला अफजाई हो मुझे। आप लोग सपोर्ट सही नहीं कर रहे जिससे आपसे करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।